नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर कार्यालय में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा, रीवा एसपी नवनीत भसीर ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 25 तारीख को होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। आइए आपको ले चलते हैं कलेक्ट्रेट सभागार और सुनते हैं तीनों अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। किशोर कुमार के बहुत अच्छे नेशनल लेवल के गायक हैं अनिल श्रीवास्तव जी, उनका कार्यक्रम रखा गया है 25 तारीख की शाम को। कथक नृत्यांगना राष्ट्रीय स्तर की है, उनका कथक का नृत्य है, और पद्मश्री भारती बंधु जी जो है उनका गायन है, जो कि सूफी और कवि के बहुत अच्छे गायक थे और एक बार पहले भी रीवा में आ चुके हैं वो, और लोगों ने बड़ा उनको एप्रिसिएट किया है। सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में हम लोगों ने इंटरनल प्रतियोगिताएं कराई हैं, जिसमें रीवा के जो पौराणिक महत्व है, जो उसमें इस तरह के धरोहर हैं, कहानियां हैं, उसके बारे में बच्चों के वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, लेख के कंपटीशन और उससे रिलेटेड पेंटिंग्स और रंगोली कंपटीशन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहे हैं उनको हम लोग समारोह पूर्वक पुरस्कृत कर रहे हैं। जो अचीवर्स हैं और भी दूसरे फील्ड के, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे कल्चर में हो, उनको भी इस समारोह में हम लोग पुरस्कृत करके और जिनके कारण रीवा गौरवान्वित हो रहा है उनको हम सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रूपरेखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गौरव दिवस की पूरी परिकल्पना की है। एक आप सभी के साथ मैच भी है 25 तारीख को सवेरे 8:30 बजे से, और हम लोग उम्मीद करते हैं उस मैच में आप लोगों को हम लोग बुरी तरह हराएं। आपके मंदिर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसकी आपको जानकारी दी। दूसरा एक पहलू है कि हम रीवा के फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें, उसके लिए हम लोगों ने आज एक इन्वेस्टर समिट की थी जिसकी रूपरेखा लगभग 3 महीने पहले से हम लोग लगातार बना रहे थे। बनारस और इलाहाबाद के जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट लोग थे उनके साथ हम लोगों की बैठक भी हो रही थी, उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। आज काफ़ी इन्वेस्टर्स लैंडमार्क होटल में जो इन्वेस्टर्स समिट थे उसमें आए थे, और एक अच्छी डेवलपमेंट और भी है कि कटरा में जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट भेजा गया था गवर्नमेंट को, जिसके कि स्वीकृति के प्रोसेस में काफ़ी जल्दी आई है, और हम लोग 2-4 दिनों के भीतर आपको ये अधिकृत जानकारी प्रदान करेंगे कि उसकी स्वीकृति हो गई है, और हम इमीडिएट वहाँ फिर काम भी शुरू कराने की कोशिश करेंगे। एक तो और ऐसे इंडस्ट्रियल पैचेज हैं जिनके प्रोजेक्ट बना के हम लोग गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जो बनारस में और अलाहाबाद में स्कार्सिटी ऑफ लैंड के कारण जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के जो बहुत सारे लोग तैयार हैं उनको हम रीवा में अट्रैक्ट करें, और रीवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह का एटमोसफेयर है उसका हम लोगों के बीच में जाके उसकी जानकारी दें। के द्वारा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम भी सब स्कूलों के द्वारा रखा गया है, जिसमें टीचर्स का उन्होंने अपने अपने स्थानीय लेवल पे सम्मान कार्यक्रम रखा है। साथ में फूड फेस्टिवल हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट पे जो रीवा के विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं उसकी एक प्रदर्शनी भी होगी, साथ में उसकी एक टेस्टिंग भी होगी, तो ये फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट में प्लान किया गया है। इसको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सेवा संकल्प अभियान हमारा चल रहा है सर, उसको भी हमने नगर गौरव दिवस के साथ में टेकअप किया, तो नगर निगम के द्वारा इसमें सफाई अभियान हो या विभिन्न गतिविधियां हो, महिला बाल विकास का जैसे कार्यक्रम उसी के अंतर्गत नगर गौरव दिवस के साथ रक्तदान शिविर भी उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। और ये जो पूरे कार्यक्रम होंगे सर, इसमें अंत में हमारा उद्देश्य ये है कि एक अच्छी सी कॉफ़ी टेबल बुक हम लोग बनाएँ, और उसको फिर हम सभी के साथ शेयर भी करेंगे कि हमारी इस पूरे एक्टिविटीज़ की कुछ उसमें अच्छी पिक्चर्स होंगी और साथ में अलग अलग गतिविधियों का छोटा सा एक रैप अप होगा। और 24th को सर, जैसा आप बता रहे थे कि कल्चरल नाइट 24th और 25th के लिए प्लान है,
24th को हमने म्यूजिक नाइट के रूप में रखा है और 25th को हमने रखा है कल्चरल नाइट के रूप में। 25th को पद्मश्री अवॉर्डी ऑनरेबल GCD भारती जी उसमें आके परफॉर्म करेंगे सर, उनका पूरा ट्रूप परफॉर्म करेगा और मोवा शंकर जी की उनकी पूरी टीम आएगी जो कथक के बड़े क्लासिकल डांसर हैं और काफ़ी फेमस हैं, तो उनकी टीम परफॉर्म करेगी।